सो इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट कैम्ब्रिज एंड येल क्रिटिक्स। ये क्वेश्चन आपके रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था, आफ्टर विच स्टूडेंट्स आर शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन नोइंग कि कौन थे हमारे कैम्ब्रिज क्रिटिक्स एंड कौन थे येल क्रिटिक्स। लेट मी टेल यू कि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, कई मंथ्स पहले ही मैंने ऑलरेडी बच्चों को ये पढ़ा दिया था एंड आई टोल्ड देम कि इससे आपके क्वेश्चन बनने ही वाले हैं। अब जब क्वेश्चन आया है तो यू आर फीलिंग कि इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। लेट मी टेल यू इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल कि आपके चार मेजर स्कूल्स हैं जिनसे आपका यूजीसी नेट आपसे क्वेश्चंस पूछता है, कैम्ब्रिज क्रिटिक्स, येल क्रिटिक्स, बर्मिंगम स्कूल एंड योर फ्रैंकफर्ट स्कूल। एंड अगर आप लिटरेरी मूवमेंट्स में जाते हो तो आपने यूनिवर्सिटी विच में ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज क्रिटिक्स या कैम्ब्रिज राइटर्स के क्वेश्चंस को ऑलरेडी देख रखा होगा। सो यूजीसी नेट ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है, आपकी जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं एंड उनसे जो मेजर मेजर आपके राइटर्स एसोसिएटेड हैं उनसे एसोसिएटेड आपको यूनिवर्सिटी बेस्ड या स्कूल बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द बोथ द यूनिवर्सिटीज। मैंने फ्रैंकफर्ट एंड बर्मिंगम का ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है तो उसको इस वीडियो के बाद जरूर से देख लेना। एंड लास्ट में मैं क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ तो वीडियो के एंड तक रहना ताकि आप पूरी तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट करके जाओ। मेरे अकॉर्डिंग आप जब सिर्फ एक कंटेंट को रिसीव करते हो, उसके क्वेश्चंस नहीं देखते हो, नहीं लगाते हो, तो वो टॉपिक आप इनकंप्लीट छोड़ देते हो। तो आप लोग अगर एंड तक बने रहेंगे तो आप क्वेश्चंस भी लगा पाएंगे। कैम्ब्रिज क्रिटिक्स और येल क्रिटिक्स कुछ नहीं है, बस आपकी एक यूनिवर्सिटीज हैं एंड उनसे जुड़े हुए कुछ राइटर्स की जो थ्योरीज हैं वो इतनी फेमस हो गई कि उन थ्योरीज या फिर उन राइटर्स का नाम न लेके उनको एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी से एसोसिएट कर दिया गया। ये तो बिल्कुल ऐसा है कि कोई सेलिब्रिटी अगर अपने किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल वगैरह में पढ़ा हो, आगे जाके वो बहुत बड़ा स्टार बन जाए तो लोग उसको एसोसिएट करने लगे कि अरे ये तो इस स्कूल में पढ़कर पास हुआ है, इस वाली यूनिवर्सिटी से पढ़कर पास हुआ है। बेसिकली अगर कोई ऐसा महान इंसान या महान थ्योरी आपकी किसी पर्टिकुलर कॉलेज या फिर किसी यूनिवर्सिटी से निकल के आती है तो उसका एक प्रॉपर एसोसिएशन बना दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने दो बॉक्सेस बने हुए हैं जहाँ पे यू कैन सी कैम्ब्रिज क्रिटिक्स, मतलब कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करने वाले बंदे, देन आपकी येल क्रिटिक्स जो आपकी येल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी एंड आपके मन में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि ये दो राइटर्स अलग है, अलग क्यों है, व्हाई आर दे सिटिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्सेस। तो इसका भी मैं आपको एक प्रॉपर रीजन दूंगी। कैम्ब्रिज क्रिटिक्स एंड आपके येल क्रिटिक्स दोनों की ही आपको लिस्ट प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए अपने नोट्स में, इसको जल्दी से आपको लिख लेना है। एक्सप्लेनेशन में अभी आपको समझा दूंगी एंड उससे समझ में आ जाएगा। पर ये मत समझना कि ये जो आपका टॉपिक है कंप्लीट टॉपिक है, ये कैम्ब्रिज एंड येल क्रिटिक्स मात्र एक बूंद के बराबर है आपके लिटरेरी थ्योरी के सागर में। तो अगर आप लिटरेरी थ्योरी में कमजोर हो या फिर आपको लिटरेरी थ्योरी का कोई सही कंटेंट नहीं मिलता है, प्लीज कंसिडर वॉचिंग माई एंटायर कोर्स ऑन दिस। इस पर पूरा कोर्स बना हुआ है, मैंने एक एक चीज बच्चों को जो ऑलरेडी आप आज पढ़ रहे हैं वो मैंने ऑलरेडी कई महीनों पहले ही लॉन्च कर दी थी, बच्चों को पढ़ा दी थी, जिन्होंने पढ़ा था उनका फायदा भी हुआ। सो आप जरूर से इस कोर्स को जाके चेकआउट करें जहाँ पे 90+ लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। एक एक क्वेश्चन के साथ मैंने एक एक टॉपिक, एक एक क्रोनोलॉजी को एक्सप्लेन किया है इस कोर्स के अंदर। बहुत ही ईजी एंड सब एंड स्ट्रक्चर्ड वाइज ये कोर्स आपका बना हुआ है जो आपको इस पूरी तरीके से थ्योरी में कॉन्फिडेंट बनाकर ही छोड़ेगा। स्टार्ट करेंगे कैम्ब्रिज क्रिटिक्स के बारे में बात करने से। कैम्ब्रिज जो हम लोग की यूनिवर्सिटी है, 1209 में इसकी स्थापना हुई थी और वी कैन से कि आपकी जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वो इतनी ओल्ड यूनिवर्सिटी है, आपके रनाइसा के एरा से पहले से ही यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की ये सबसे ओल्डेस्ट एंड प्रेस्टीजियस आपकी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपके कुछ स्कॉलर्स एंड क्रिटिक्स जो है पढ़ाई करने जाते हैं, उनकी थ्योरी फेमस हो जाती है जिसकी वजह से आपकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम फेमस हो जाता है एंड दीज पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ राइटर्स कम टू बी टर्म्ड एज कैम्ब्रिज क्रिटिक्स। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए, आपको याद रखना चाहिए कि जिन क्रिटिक्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं वो आपके अर्ली टू मिड 20th सेंचुरी में फेमस हुए थे। जब हम लोग अर्ली टू मिड बोलते हैं तो आप 1910, 1920, 1930s वगैरह पकड़ के चलते हैं, ठीक है। कौन सी ऐसी थ्योरीज थी जो आपकी कैम्ब्रिज क्रिटिक्स ने फेमस की और जिसकी वजह से कैम्ब्रिज क्रिटिक्स का इतना नाम हो गया? न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी, जो आपकी क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करती है, आपकी ओल्ड जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म था उसको रिजेक्ट एंड चैलेंज करती है एंड नए फॉर्म्स ऑफ क्लोज रीडिंग जहाँ पे आपको आपके ऑथर से कोई भी लेना देना नहीं होता है। यू जस्ट फोकस ऑन द वर्ड्स रिटन ऑन द टेक्स्ट, यू जस्ट फोकस ऑन द लिटरेरी डिवाइसेस, द स्ट्रक्चर रिटन ऑन द टेक्स्ट एंड आप उसके
अपने फॉर्म एंड कंटेंट पे ज्यादा एम्फसाइज करते हो रादर देन ये देखने से कि किसने लिखा है, क्यों लिखा है, कब लिखा था, ये मतलब होगा. मतलब कि आप जब किसी भी तरीके का एसोसिएशन नहीं बैठाते हो अपनी एक थ्योरी और उसके ऑथर के बीच में, दिस पर्टिकुलर स्टाइल और ये दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज नोन एज योर न्यू क्रिटिसिज्म. कैम्ब्रिज क्रिटिक्स के अंदर जो राइटर्स फेमस हो गए वर फेमस फॉर न्यू क्रिटिसिज्म, क्लोज रेटिंग, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एंड ऑल्सो कल्चरल मटीरियलिज्म. क्या क्या थी ये सारी चीजें हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं. कैम्ब्रिज क्रिटिक्स के बारे में अगर बात ना करके हम लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने की थोड़ी सी कोशिश करें तो आप सभी को पता होगा कि ये एक बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपके जो बहुत सारे फेमस हमारे लिटरेचर के राइटर्स भी जा चुके हैं. जॉन मिल्टन गए थे यहाँ पर पढ़ने, देन हमारे जॉन ड्राइडन गए थे, क्रिस्टोफर मार्लो गए थे. ये सभी राइटर्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इन्होंने लिटरेचर में जो अपना योगदान किया है उसकी वजह से आज की डेट तक आपकी जो फैकल्टी है इंग्लिश लिटरेचर की इन योर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस फैकल्टी जो मानी जाती है कि इंग्लिश लिटरेचर की आपको पढ़ाई करनी है. एंड इफ यू हैपन टू गो या आपका एडमिशन हो जाता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तो आप एक बहुत ही ऑनरेबल एंड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर पढ़कर निकलते हो. कैम्ब्रिज क्रिटिक्स के अंदर आपको जो नाम दिखाई देंगे वो है आई ए रिचर्ड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट राइटर है, विलियम एम्सन, एफ आर ल्यूस एंड रेमंड विलियम्स. अब आप सोच रहे होंगे कि रेमंड विलियम्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं. यही एक रीजन था कि ये डब्बे से बाहर बैठे थे एंड क्यों ये बाहर बैठे थे ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. इन तीनों ही या चारों ही राइटर्स की थ्योरी ने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी दी इनकी थ्योरी को, ना सिर्फ बल्कि आपकी यूनिवर्सिटी को, कि ये जो एक थ्योरी है जिसने रेवोल्यूशन लेकर आया ये मंदिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते थे. अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को बिलोंग करने का मतलब ये भी है कि ये यहाँ पर पढ़ाई करने गए थे और ये भी है कि ये यहाँ पे एज अ फैकल्टी एज अ लेक्चरर पढ़ाने लगते हैं. तो क्या क्या कैसे कैसे है वो हम लोग चलेंगे और देखेंगे. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आई ए रिचर्ड्स के बारे में एंड इनको पढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं आपकी लिटरेरी थ्योरी न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर जिसको आपको डिटेल में करना चाहिए. आज मैं आपको जितना पढ़ाऊंगी वो मियर इंट्रोडक्शन होगा इनकी थ्योरीज और इनके वर्क्स के बारे में. आप अगर इंटरेस्टेड हो कि नहीं मुझे प्रॉपर पढ़ाई करनी है इनकी और सारे लिटरेरी थ्योरी के राइटर्स की, मेरा कोर्स जरूर से चेकआउट करना. आप डिसअपॉइंटेड नहीं फील करोगे, लिटरेरी थ्योरी आपका फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो जाएगा. आइए, रिचर्ड्स एक सेंट्रल फिगर माने जाते हैं आपके न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी के अंदर, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था अपनी क्लोज रीडिंग एनालिसिस की वजह से आपके न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर. एंड न्यू क्रिटिसिज्म से तो ये एसोसिएटेड हैं ही, लेकिन इनकी जो पर्सनल प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की थ्योरी है जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बींग अ फैकल्टी ऑन हिज स्टूडेंट्स कि भाई आप एक पोएट्री के मीनिंग निकाल कर लेके आओ, एनालिसिस करके आओ, उसकी पैराफ्रेजिंग करके आओ विदाउट हिम टेलिंग हिज स्टूडेंट्स कि उन पर्टिकुलर पोएट्री का ऑथर कौन है, जिसकी वजह से इनके जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग टाइप के एनालिसिस करके आते हैं एंड ये इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, जहाँ पे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की थ्योरी को ये सबके सामने लेके आते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक काम को जज करने के लिए आपको उसके राइटर की जरूरत है. सो आई ए रिचर्ड्स वॉज एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड यहाँ पर आगे जाके ये लेक्चरर भी बन जाते हैं. ऐसे होता है ना किसी किसी की लाइफ टाइम में कि आप किसी स्कूल में पढ़ते हो एंड देन बड़े होके आपकी इट हैपन्स टू बी कि आपकी उसी स्कूल में एज अ टीचर जॉब लग जाती है. सो यहाँ पर भी हम लोगों को कुछ वैसा ही देखने को मिलता है. अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई मैंने कई टाइम पहले ही बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा दी है. प्रॉपर पॉइंटर्स मैंने, ये जो स्लाइड है ये मेरे कोर्स के अंदर से आती हैं जिसमें आई ए रिचर्ड्स का सिर्फ ये वाला पॉइंट नहीं पर कई सारे पॉइंट्स मैंने पढ़ा के रखे हैं. ज़रूर से आप जाएँ और उसको चेकआउट करें. देन आई ए रिचर्ड्स के अगर मैं आपको कुछ लिस्ट दूँ कि बेटा इन वर्क्स को आपको ज़रूर से करना है तो ये होगा आपका प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, देन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, अ स्टडी इन लिटरेरी जजमेंट. ये वर्क इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या था उससे भी आपके मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं. आपको अ स्टडी इन लिटरेरी जजमेंट जो सब टाइटल दिखाई दे रहा है इससे भी आपके यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछे हैं. सो आई वुड नॉट वॉन्ट एनी ऑफ माई स्टूडेंट कि आप इनको छोड़कर जाओ. अगर आपने आई ए रिचर्ड्स को अभी तक नहीं किया है तो बैठो और इनको पढ़ो और इनको पढ़ना बहुत जरूरी है. इनकी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आपके रिसेंट एग्जाम में भी आपको देखने को मिली थी, फोर काइंड्स ऑफ मीनिंग, सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन. बहुत ही ईजी थ्योरी है लेकिन बच्चे अक्सर उसको नहीं करके जाते हैं. देन इनका टू काइंड्स ऑफ मीनिंग, टू काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, देन इनका सिमेंटिक ट्रायंगल एंड इनके और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो हर बच्चे को करने जरूरी है. एफ आर ल्यूस के बारे में बात करेंगे जो कि सेकेंड कैम्ब्रिज क्रिटिक माने जाते हैं. ल्यूस बहुत ही ज्यादा
एक बोल सकते हैं कि फेमस क्रिटिक रहे हैं 20th सेंचुरी के, इनको बहुत ज्यादा ये इन्फ्लुएंस थे मैथ्यू अर्नोल्ड एंड हमारे टी एस एलियट की थ्योरीज और उनके क्रिटिसिज्म से, जहां पर लिटरेचर को ये बहुत ही हाई वैल्यू एंड सीरियसनेस प्रदान करते हैं बोथ इन द सेक्शन ऑफ योर लिटरेचर एंड योर लिटरेरी क्रिटिसिज्म. तो आपको जरूर से एफ आर ल्यूइस को पढ़ना चाहिए. ही इज दैट सेम पर्सन जिन्होंने अपनी वाइफ क्यू डी ल्यूइस के साथ मिलकर स्क्रूटनी नाम का एक पीरियोडिकल स्टार्ट किया था, जो माउथपीस बना था ब्लूम्सबरी ग्रुप की बहुत ज्यादा बोल सकते हैं उनकी बुराई करने के लिए एंड उनके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करने के लिए, उनके स्टाइल्स वगैरह के लिए. तो ये सारी छोटी छोटी जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जरूर से अपने नोट्स में लिखा भी करो और इसके बारे में सर्च भी करो, आप चाहें तो उसको जरूर से पढ़िएगा, ठीक है. देन एफ आर ल्यूइस आपके जाकर पढ़ते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एंड देन वहां पर ये क्रिटिक बनते हैं. इनका मानना था लिटरेचर को लेके कि इनका जो लिटरेचर, मतलब जो लिटरेचर होना चाहिए उसके एक अपने प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए. यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द हाई सीरियसनेस एंड द स्टैंडर्ड्स. एंड ये कुछ सिमिलर चीज आपको मैथ्यू अर्नोल्ड की भी थ्योरी में देखने को मिलेगी. एफ आर ल्यूइस का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है द ग्रेट ट्रेडिशन, जिसके अंदर इन्होंने कुछ स्पेसिफिक राइटर्स का नाम लिया है, मुझे जल्दी से आप लोग कमेंट करके नीचे बताओ कि वो कौन से चार राइटर्स का इन्होंने नाम लिया है जिन्होंने कहा है कि अगर आप इनको फॉलो करते हो तो यू आर अ पार्ट ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन. बिकॉज दीज वर दोज फोर राइटर्स जिनकी राइटिंग में इनको हाई सीरियसनेस देखने को मिलती है, बहुत ही लूज स्टाइल इनको लिटरेचर की देखने को नहीं मिलती है एंड बहुत ज्यादा अडोर करते हैं आपके एफ आर ल्यूइस उन चार राइटर्स को. सो यू हैव टू कमेंट मी डाउन एंड लेट मी नो कि क्या आपको उन चार राइटर्स के नेम पता है या नहीं. देन न्यू ब्योरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री रीवैल्यूएशन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश पोएट्री भी इनके और वर्क्स हैं जो आपको डिटेल में जरूर से पढ़ाई करनी चाहिए. थर्ड राइटर है हमारे विलियम एम्सन. ही इज ऑल्सो अ वेरी सेंट्रल फिगर एंड अ वेरी प्रेस्टिजियस कैम्ब्रिज क्रिटिक जो लिटरेचर में एम्बिग्विटी को ढूंढने के लिए जाने जाते हैं. ये बहुत ज्यादा आपके लिटरेचर में लिखे हुए शब्दों के ऊपर एनालिसिस करते हैं एंड ही लेट्स अस नो कि आपका जो लैंग्वेज होती है किसी भी पोएट्री की स्पेसिफिकली वो एम्बिग्वस होती है एंड इसी की वजह से इनका जो फेवरेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है 7 types of ambiguity, जिसमें इन्होंने 7 तरीके की एम्बिग्विटी बताई है कि इस तरीके की एम्बिग्विटी होती है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें अपने कोर्स में पढ़ाई हैं, तो अगर आपको लगे कि इस इतनी इजी वे में मैं पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो आप ज़रूर से कोर्स को चेकआउट करिएगा. इनके अगर मैं वर्क्स की आपको लिस्ट दे दूँ, वो हर बच्चे के लिए जो चाहता है कि हम लोग को थोड़े वर्क्स पता चल जाए, तो 7 types of ambiguity आपको बेटा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. सम वर्जन ऑफ पास्टोरल से टाइटुलर क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, देन मिल्टन्स गॉड एंड और भी इनके और सारे वर्क्स है, वेर एस ये इंपॉर्टेंट वर्क्स है, ठीक है. तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम लोग आते हैं रेमंड विलियम्स के पास. अगर आपको नहीं पता है कि रेमंड विलियम्स न्यू क्रिटिसिज्म से दूर दूर तक आपका मतलब नहीं रखते हैं, तो फिर ऐसा क्यों है कि हम लोग कैम्ब्रिज क्रिटिक्स जो बेसिकली आपका न्यू क्रिटिक्स से ही जुड़ा हुआ है, रेमंड विलियम्स को क्यों पढ़ रहे हैं? रेमंड विलियम्स को आप लोग पढ़ते हो कल्चरल स्टडीज के अंदर, जो पॉपुलर मास कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि आजकल का जो पॉप कल्चर है या फिर आपका जो बुर्जुआ सोसाइटी है, वर्किंग क्लास सोसाइटी है, क्या इफेक्ट पड़ता है इनके दिमाग पे और इनकी लाइफस्टाइल पे आपकी जो अरिस्टोक्रेटिक एंड बोर्जुआ सोसाइटी का. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके रेमंड विलियम्स की थ्योरीज हैं एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि रेमंड विलियम्स इज दैट वन सिंगल राइटर ऑफ कल्चरल स्टडीज जिनसे 20+ questions अकेले पूछे गए हैं. अगर आपने कल्चरल स्टडीज के अंदर रेमंड विलियम्स को नहीं पढ़ा है, यू विल बी मेकिंग अ वेरी बिग मिस्टेक. तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अभी आपके पास टाइम है, आराम से इनको निकालो और पढ़ो. आपको मेरी भी वीडियो मिल जाएगी, बट देन इनकी और भी बहुत सारी थ्योरी है जो आपको डिटेल में करनी चाहिए. ये जाने जाते हैं कल्चरल स्टडीज के लिए, जो मैंने आपको बता दिया कल्चर, लिटरेचर और सोसाइटी तीनों का क्या आपस में इंटरकनेक्शन है एंड हाउ आर दीज थ्री थिंग्स इन्फ्लुएंस्ड एंड इंटरकनेक्टेड, इसके बारे में ये बात करते हैं अपने वर्क्स में. कल्चर एंड सोसाइटी इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है. यू आर गोइंग टू सी मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वर्क ऑफ हिज. द लॉन्ग रेवोल्यूशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. कीवर्ड्स इनका एक वर्क है जिसमें ये बताते हैं
ये कैसे आपके जो वर्ड्स होते हैं जो पहले जमाने में कुछ और थे एंड अब ओवर द ईयर्स उनका मीनिंग बदल चुका है, कल्चरल मीनिंग्स बदल चुके हैं. मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर के बारे में ये बात करते हैं. इनका इंपॉर्टेंट टर्म जो इस एग्जाम में भी पूछा गया था, स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग, कल्चरल मटीरियलिज्म, कल्चर इज ऑर्डिनरी, इनके कई सारे फ्रेजेस हैं जो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ बच्चों को पढ़ा के रखा है मेरे कोर्स के अंदर. तो अगर आप कोई न्यू स्टूडेंट है जो नहीं जानते हैं कि मेरा कोई ऐसा कोर्स भी है, आप जाइए हमारी वेबसाइट पर और आप इन कोर्स को अवेल करके अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिसमें आपको लेक्चर के साथ साथ एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मैंने करा के रखा है. अब हम लोग आ जाएंगे येल क्रिटिक्स पे. सबसे पहले बात करेंगे येल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो आपकी अराउंड 1701 ओपन होती है. आपकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1209 में आपकी स्टार्ट हुई थी, देन 1701 में ये स्टार्ट होती है. वो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी. ये आपकी यूनिवर्सिटी बिलोंग करती है यूनाइटेड स्टेट्स को. तो ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, बिकॉज अब आपका यूजीसी नेट आपसे डिटेल्ड क्वेश्चन पूछ रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेक अ हॉल्ट ओवर हियर. अक्सर बच्चे इन सारे वीडियोस को क्लिक नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये सब पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनके रिस्पेक्टिव टीचर्स भी उनको ऐसे टॉपिक्स पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं जो आजकल पूछे जा रहे हैं. सब बच्चे खुश हैं ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ने में, एंग्लो सैक्सन एज पढ़ने में, चौसर को पढ़ने में, शेक्सपियर को पढ़ने में, एंड इसीलिए आप पूरे लिटरेचर में देखेंगे कि ऐसे वीडियोज पर बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं. इन वीडियोज को कोई क्लिक भी नहीं करता है क्योंकि इनको कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, इनको लगता है अरे इसको पढ़ के होगा ही क्या. पर मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि इनसे अब आपके कितने क्वेश्चन बनने लगे हैं. अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप जो भी सोचते हैं इन टाइप के टॉपिक्स के बारे में. एंड डू लेट मी नो कि क्या मुझे इतने अलग टॉपिक्स लेकर आने चाहिए या नहीं, बिकॉज आजकल तो यही आ रहा है. आई एम नॉट समवन की आई विल टेल यू कि हाँ वही पढ़ते रहो एंड उसी को ही तुम लोग तैयार करो और फिर एग्जाम जब देने जाओ तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए एंड यू थिंक कि मैंने क्या पढ़ा और क्या मतलब आया है. सो आई एम टीचिंग यू व्हाट द करंट टॉपिक्स आर बीइंग आस्क्ड. तो आप लोग जरूर से इन वीडियोस पे एंगेजमेंट दिखाया करो सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियोस पहुंचे, उन पर ये क्लिक करें एंड वो जान पाए कि ये चल रहा है आजकल आपके इंग्लिश लिटरेचर में. येल क्रिटिक्स के बारे में बात करें तो जैसे कैम्ब्रिज क्रिटिक्स आपके न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी से जुड़े हुए थे, आपके येल क्रिटिक्स के जितने भी स्कॉलर्स या क्रिटिक्स थे वो डीकंस्ट्रक्शन या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी से जुड़े हुए थे. ये जो आपकी थ्योरी है आपको जरूर से याद रखनी चाहिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो लिटरेचर के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करती है और फिक्स्ड मीनिंग्स को बिल्कुल रिजेक्ट करती है. लेट 20th सेंचुरी में इनके वर्क्स इमर्ज करते हैं जहाँ पे इनस्टेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग के बारे में ये बात करेंगे. ये पूरी थ्योरी और जितने भी बंदे मैं आपको बताने वाली हूँ वो सब एसोसिएटेड थे या फिर आपके बोल सकते हैं वर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्योरी ऑफ जैक डेरिडा, हु हैपेंस टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीक डीकंस्ट्रक्शनिस्ट राइटर. सो जैक डेरिडा को इसीलिए मैंने डब्बे से बाहर निकाल के रखा था कि ये आपके उस पर्टिकुलर येल यूनिवर्सिटी का पार्ट नहीं है, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी के जो राइटर्स थे जिनके वर्क्स काफी ज्यादा फेमस हो गए वो आपके जैक डेरिडा की थ्योरीज एंड वर्क से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे. सबसे पहला राइटर जो आपको दिखाई देता है वो है पॉल डी मान, जो आपके रिटोरिकल एंड एलेगोरिकल नेचर ऑफ द टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं. इन सभी राइटर्स को मैंने डिटेल में पढ़ा के रखा है, सो प्लीज ये मत सोचना कि अरे इतना ही पढ़ के हम लोग चले जाएं, क्योंकि इनसे डिटेल में क्वेश्चन बने हैं. ब्लाइंडनेस एंड इनसाइट एंड एलेगरीज ऑफ द रीडिंग इनके इंपॉर्टेंट वर्क हैं. देन जे एच मिलर आपके दूसरे इंपॉर्टेंट डीकंस्ट्रक्शनिस्ट रीडिंग को प्रमोट करने वाले एक डीकंस्ट्रक्शनिस्ट राइटर बन जाते हैं, जिनका फिक्शन एंड रिपीटेशन, डिसअपीयरेंस ऑफ द गॉड एंड क्रिटिक एज अ होस्ट, ये जो इनका एसे है द क्रिटिक एज अ होस्ट, यहाँ पे पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप जो हम लोग ने बचपन में बायोलॉजी की क्लास में पढ़ा था उसके थ्रू ये रिलेशनशिप बताते हैं आपके होस्ट का, आपके क्रिटिक का, आपके रीडर का, कि क्या आपके इन तीनों का संबंध होता है आपके एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म या फिर एक टेक्स्ट को डील करने में या इंटरप्रेट करने में. ये आपको जरूर से पढ़ना चाहिए. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जे एच मिलर के बारे में या फिर इन येल क्रिटिक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बच्चों को बहुत महीनों पहले, ये मेरे एक्चुअल कोर्स की ही एक स्लाइड है जहाँ पे बच्चों को मैंने ऑलरेडी ये सब दे के रखा था. तो इट इज नथिंग न्यू फॉर माय स्टूडेंट्स जो लोग ये पढ़ चुके थे. अगर आपको लगता है कि ये कोर्स वर्दी है तो आप जरूर से कोर्स को ट्राई करें, ठीक है.
हैरोल्ड ब्लूम जो आपकी साइको एनालिटिक थ्योरी के अंदर आते हैं, कंफ्यूज मत होना ये सोच के कि आपने तो बोला कि हमारे जो येल क्रिटिक्स के बंदे हैं वो सब के सब डीकंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरी को बिलोंग करते हैं। आपकी जो साइको एनालिटिक थ्योरी भी है ना बेटा, आप जब इसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे यू विल कम एंड कम टू नो एंड यू विल रियलाइज कि आपकी साइको एनालिटिक थ्योरी भी ट्रेडिशनल साइको एनालिसिस थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड को बहुत ज्यादा रिजेक्ट करती है एंड अपने तरीकों को दिखाने की कोशिश करती है। तो आप जब भी किसी थ्योरी के मेजर टेनेट्स को या फिर उसके बिलीव को रिजेक्ट करते हो और चैलेंज करने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू कम अप विद न्यू एंड मल्टीपल मीनिंग्स, उसको आप डीकंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरी से ही एसोसिएट करोगे। इनका सबसे इंपॉर्टेंट एंड जो फेमस एसे है जिनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। देन इनका एक वर्क है द मैप ऑफ मिसरीडिंग जो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। हैरोल्ड ब्लूम को भी आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो मेंशन करके रखा था। मैं जब भी किसी राइटर को पढ़ाती हूँ वो कौन सी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करता है, उसकी कौन सी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, उसके कौन से कोट्स इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ मैं अपने नोट्स में ऑलरेडी बच्चों को प्रोवाइड करती हूँ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जरूर से अगर इस स्टाइल में स्ट्रक्चर्ड वे में बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ना चाहो तो आप जरूर से इसको पढ़ें। जॉफ्री हार्टमैन कोई आपके मेजर राइटर नहीं है तो उसको देख के परेशान मत हो जाना, ये आपके माइनर राइटर है। आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स कि कौन से मेजर राइटर हैं एंड कौन से माइनर राइटर है ताकि उनके एफर्ट्स बचे। लिटरेचर इतना कोई आसान तो है नहीं कि एक टीचर बस आके बोल दे कि ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो सब पढ़ लो। इट इज द ड्यूटी ऑफ अ टीचर कि वो आपको बताए कि कौन सा वर्क आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कौन सा नहीं। सो जॉफ्री हार्टमैन आपके साइको एनालिटिक थ्योरी से ही जुड़े हुए हैं जिन्होंने क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डनेस एंड अनमीडिएटेड विजन के बारे में वर्क्स अपने बता के रखे। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि फाइनली हम लोग ने इसमें क्या देखा। कैम्ब्रिज क्रिटिक्स के ये तीन नाम आपको याद रखने चाहिए, रेमंड विलियम्स को भी याद ही रखिएगा हालांकि वो कल्चरल स्टडीज को बिलोंग करते हैं, येल क्रिटिक्स के भी ये नाम आप लोग याद रखिएगा। एंड इस वीडियो के एंड तक आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो कैम्ब्रिज क्रिटिक्स है वो न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी से जुड़े हुए हैं एंड जो येल क्रिटिक्स है वो डीकंस्ट्रक्शनिस्ट थ्योरी से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चंस देखते हैं जो रीसेंट एग्जाम में पूछे गए थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म। तो एफ आर ल्यूइस एंड विलियम एम्सन हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम क्यू डी ल्यूइस तो हम लोग ने पढ़ा नहीं, लेकिन अगर आपने ध्यान से क्लासेस को सुना होगा तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है कि एफ आर ल्यूइस एंड क्यू डी ल्यूइस जो आपके न्यू क्रिटिसिज्म एंड स्क्रूटनी नाम की एक पीरियोडिकल से जुड़े हुए थे, ये लोग साथ में ही उस चीज से जुड़े हुए हैं, हेंस ये लोग आपके कैम्ब्रिज क्रिटिक्स बन जाते हैं। केनेथ बर्क नाम का जो बंदा है वो इनसे जुड़ा हुआ नहीं है, सो इसको आप हटा देंगे। 2023 भाई बच्चों को लग रहा था कि ये अभी क्वेश्चन आया है, पर 2023 में भी आपको ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज कैम्ब्रिज क्रिटिक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ आर ल्यूइस को हम लोग ने पढ़ा है, आई ए रिचर्ड्स को पढ़ा है एंड विलियम एम्सन को पढ़ा है। कभी अगर रेमंड विलियम्स का भी नाम आपको देने की कोशिश करे तो अब आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, किसी का भी गलत नहीं होगा इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद। येल क्रिटिक्स से भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको ऑप्शंस देकर बताया पूछा है कि कौन इसमें से पार्ट नहीं है, तो टेरी ईगल्टन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर येल क्रिटिसिज्म। और यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल एंड पावर पैक फ्रॉम इन्फॉर्मेशन लगा तो आपको लिटरी थ्योरी का कोर्स मेरा जरूर चेकआउट करना चाहिए, जिसके अंदर आपको इससे कहीं ज्यादा 100 times इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपके राइटर्स और थ्योरिस्ट को लेके। कल्चरल स्टडीज का भी मेरा कोर्स फुल एंड फाइनल रेडी है, आप जरूर से उसको जाकर पढ़े। और इन टॉपिक्स को आप लोग हल्के में मत ले, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चंस इन दोनों थ्योरीज से, इन दोनों सेक्शन से अब बन रहे हैं, विच इज नॉट अ वेरी स्मॉल नंबर जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए एंड सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर में अपने आप को झोंक देना चाहिए। तो इन कोर्सेज को आप जरूर से जाके चेकआउट करें। क्वेश्चंस को अगर आप सेक्शन वाइज लगाना चाहते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे काम करेंगे आपके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। नो मैटर आपने कहाँ से पढ़ाई की हो, आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है, आपने लैंग्वेज नहीं समझी है, तो आप एक फाइनल तैयारी के टुवर्ड्स जा ही नहीं सकते हैं, आप अपनी तैयारी को कंप्लीट बोल ही नहीं सकते हैं। सो 5000+ क्वेश्चन सिग्रीगेटेड सेक्शन वाइज एंड ईयर वाइज आपको मिल जाएंगे, इसको जरूर से चेकआउट करें। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करें, जहां पे डेली बेसिस पे बच्चों को पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के फ्री PYQ टेस्ट सीरीज मिलते हैं। तो इसमें आपको किसी भी चीज का पेमेंट नहीं करना है, आप आए इस ग्रुप को ज्वाइन करें एंड तैयारी करना अपनी स्टार्ट कर दें। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल एंड इंसाइटफुल लगा होगा। आपका जो कुछ भी मानना है इस वीडियो को लेकर जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू एंड आई विल सी यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक केयर।